स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल में। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर खुशखबरी, ई श्रम कार्ड है तो मिलेंगे महीने 2000 रुपए सीधे बैंक खाते में। जी आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे ई श्रम कार्ड के लिए कैसे आवेदन करना है, कहां पे आवेदन करना है, कौन इस योजना का लाभ ले सकता है। इस वीडियो में आपको आगे फुल डिटेल के साथ बताएंगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो चलिए आपको बताते हैं, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार असंगठित क्षेत्र में मजदूरों को 1,000 रुपए दो किस्तों में देगी। वही विभाग के इस बारे में सांसद जारी किया है। आपको बता दें ये राशि उत्तर प्रदेश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हैं। वही उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार असंगठित क्षेत्र में पंजीकरण मजदूर को 1,000 रुपए वही दो किस्तों में भत्ता देगी। आपको बता दें इस समय विभाग के इस बारे में सांसद जारी किए हैं। भत्ते की ये राशि असंगठित क्षेत्र के उन सभी मजदूरों को मिलेगी जो कि 31 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश असंगठित कार्यक्रम 40 सुरक्षित बोर्ड के पंजीकरण हो गए। वहाँ के लिए मजदूरों को भत्ते की पहली किस्त के तौर पर 1,000 रुपए जनवरी में देगी। वही दूसरे तौर पर ये राशि उत्तर प्रदेश के असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के माध्यम से दी जाए। तो बता दें उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने धान मंडल की शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए गए हैं। वही चालू वितरण के वर्ष के तदेक देने के लिए आपको बता दें 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था है उत्तर प्रदेश के असंगठित सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में। बता दें सांसद देश के जरिए बोर्ड के संचय वाले मजदूरों के आधार पर लिंक करने का निर्देश दिए हैं। जिन असंगठित बोर्ड की ओर से सम्मान निधि या फिर अन्य किसी माध्यम से दिया जा रहा है उन्हें कोई भी राशि नहीं दी जाएगी। आपको बता दें राज्य सरकार की कोशिश है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए भत्ता वितरण के लिए आवश्यक जल्दी की पूरा करने की